ये है वो रूम जनाब जहाँ पे मदर टेरेसा जी रहा करती थी, और ये सामने है उनका टॉम, उनका मकबरा, उनकी कबर। Hey everyone, यहाँ जगह पर मिस्टर गफ्फार खान वंस अगेन, वेलकम बैक टू YouTube चैनल। भाई साहब, आज कोलकाता में आपको एक ऐसी माँ से मिलवाने जा रहा हूँ, ऐसी मदर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अपना घर छोड़ दिया, अपने रिलेटिव छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ के वो इंडिया में आके बसी। वो इंडिया से नहीं थे लेकिन इंडिया में आके बसे। उनने अपनी पूरी ज़िंदगी है जो गरीबों के नाम, बीमार लोगों के नाम पूरी ज़िंदगी कर दी, और इंडिया में आके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं बात कर रहा हूँ मदर टेरेसा की। आज मैं उन्हीं के घर के पास आ चुका हूँ, अंदर जाऊँगा, पूरा घर दिखाऊँगा, कैसे रहते थे, उनकी पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बताई जाएगी। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हो तो रेड बटन को ब्लैक कीजिए, Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अभी मैं बताता हूँ आपको एड्रेस कि आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना। तो ये सामने मैं पहुंच चुका हूं, यहां पे आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये है मदर टेरेसा का होम जो कि कोलकाता में। इसका मैं एड्रेस बताता हूं आपको, ये सर बताएंगे एड्रेस। क्या है एड्रेस सर? आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड। किसी को भी आना हो तो कहां पे आना है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, जोरा गिरजा, रूपन स्ट्रीट। अगर आपने सुन लिया तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो रिपीट करके आप सुन लीजिए। तो ये सामने जनाब मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा का हाउस। अंदर जाते हैं, वीडियो अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं उसकी मेरे पास कोई भी गारंटी नहीं है, पर मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को दिखाने की। तो चलिए अंदर चलते हैं। चलते ही मैं पहुंच गया उनके म्यूज़ियम। वीडियो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, कुछ पार्ट पे फोटोग्राफी अलाउड थी लेकिन वीडियोज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। ये है जी म्यूज़ियम जहाँ पे मदर टेरेसा का जो भी सामान था वो यूज़ किया करती थी, और ये सामने है उनका वो सामान। उससे पहले मैं बता देता हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन। उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में, उनका जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया स्कोपजी में हुआ था। वो एक अल्बेनियन फैमिली में पैदा हुई थी। 5 सितंबर 1997 में उनका इंतकाल हो गया था। 18 साल की उम्र में वो आयरलैंड चली गई थी और 19 साल की उम्र में वो इंडिया में आ गई थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी है जो इंडिया के लोगों के लिए जी, अपना परिवार छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपने रिश्तेदार छोड़ के, अपने दोस्त छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो इंडिया में आके बसी और इंडिया के लोगों की सेवा करना शुरू कर दी। उन्होंने इंडिया में पहुँचते ही उन्होंने चैरिटी स्टार्ट कर दी, गरीब लोगों की मदद करना, गरीब बच्चों की मदद करना। उन्होंने एक ट्रस्ट खोला जिस ट्रस्ट का नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जिसमें वो हर उस बंदे की मदद करते थे, हर उस नीडी पर्सन की मदद करते थे जिसको ज़रूरत होती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन आज भी उनका दिन मनाया जाता है, आज भी उनको याद किया जाता है। तो अभी मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर उनका मकबरा बना हुआ है, जहाँ पर उनका टॉम बना हुआ है। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये उनकी कब्र है। अभी मैं आपको उनकी पूरी कब्र अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हो मदर टेरेसा की कब्र। बहुत सारे लोग आते हैं उनको देखने, उनका टॉम्ब देखने, और उनका लाइफ के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी जो कांग्रीगेशन थी, उनका जो ट्रस्ट था जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वो जब उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसमें 2012 का जो डाटा निकल के आता है उसमें 4500 नंस ने ज्वाइन कर दिया था। 4500 नंस ज्वाइन हो गई थी। नंस आपको पता ही है जो अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के लोगों की सेवा पर निकल जाते हैं। तो वो जो 4500 नंस थी उन्होंने डिस्पेंसरी खोल दी, उन्होंने यतीम खाने खोलना शुरू कर दिए, उन्होंने स्कूल्स खोलना शुरू कर दिए, उन्होंने हॉस्पिटल्स खोलना शुरू कर दिए बीमार लोगों के लिए, और HIV और कितने भी ऐसे बीमार लोग से उन लोगों के लिए घर बनाना शुरू कर दिए। मीन्स अपनी पूरी ज़िंदगी है जो उन्होंने वक्फ कर दी ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई भी सहारा नहीं था, जिनको ज़रूरत थी, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं था, जिनको इलाज करवाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अपने पास, उनके पास जितना कुछ भी आता था वो सब दान कर देते, और इसी वजह से आज मदर टेरेसा को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उनको सभी कंट्रीज़ में याद किया जाता है। एक ऐसी औरत जो अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के इंडिया में आके लोगों की सेवा करी, और आज भी उनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। तो अभी मैं उनके घर पे हूँ, उनके म्यूज़ियम में हूँ, वहाँ पे वीडियो या फ़ोटोज़ लेना उतना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्टोरी बनाने के लिए, उनकी हिस्ट्री बताने के लिए मैंने कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके शूट करा। ये सब कुछ आप देख रहे हो ये उन्हीं के घर का है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, और ये है उनका रूम। ये इस रूम में वो रहा करते थे,
मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ही वो गुजारा करते थे। एक बार वो 1946 में दार्जिलिंग की तरफ जा रहे थे और उस सफ़र में उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनको कह रहा है कि तुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुझे इन चीज़ों के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो उन्होंने 1950 में ये जो ट्रस्ट उन्होंने शुरू किया ना, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, 1950 में ये ट्रस्ट उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने जब ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी शुरू करी और उसमें उन्होंने चूज़ किया कि वो वाइट ड्रेस पहनेंगी, वाइट ड्रेस के साथ साथ बॉर्डर पे उनके टू लाइंस होंगे। बाहर से मैं आपको उनका हाउस दिखा देता हूँ। ये सामने आपको गेट दिख रहा है, ये दरवाज़ा, यहाँ से एंट्री वगैरह होती है। अब मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, बता रहा था बहुत मज़ा आया अंदर जाके, बिल्कुल शांति, बिल्कुल सुकून था वहाँ पे। और जितनी भी नंस थी वहाँ पे उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरे साथ बात करी, अच्छे तरीके से बात करी यार, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर जाके। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। एड्रेस भी बताया आप लोगों को, सब कुछ बताया इस वीडियो में, कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट में बताइए, वहाँ पर रिप्लाई मैं कर दूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान।